सुबह के बज रहे हैं 1:15 के बज रहे हैं, 5:15 मतलब 5:13 हो रहे थे। बारिश आ रही है, हेलो दोस्तों, हमें अभी कुल्लू और मनाली के बीच में यहाँ लगाया हमने सेटअप, एक जगह ढूंढी हमने, और हम पहले भी लगा रहे थे वहाँ पे, लोगों ने मना किया यहाँ पे नहीं है, ये गांव वाले मना करते हैं ये और वो, फिर भैया लगाया मैंने यहाँ पे सेटअप, लगाया खाने वाने का पूरा जमाया। हम लेट हो गए थे, आज हमारा फाइनल था कि हम पहुँचेंगे मनाली, पहुँच जाएंगे, पर फिर कुल्लू में ही रह गए क्योंकि भैया बहुत सारी सामान, बहुत सारा लेना था मुझे, वो छोटा छोटा सामान था कैंपिंग का तो लेना था, बैग में इतना कुछ आ नहीं रहा था वो लिया, उसमें टाइम निकल गया। और ये देख लो भाई यार मज़े, देख लो भाई मज़े। तो अभी हम बनाने वाले हैं, ये देखो ये चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, और इसके बाद हम बना रहे हैं पनीर पुलाव। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि भैया कैसा पनीर पुलाव बनाते हैं। सामने मेरे जस्ट नदी बह रही है, हम नदी से थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, मस्त वाली नदी बह रही है, और ऊपर पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, सुबह दिखाऊंगा भाई मस्त वाला नज़ारा। थोड़ा सा ये तो दिखाई दिया मैंने मेरा टेंट, ये देखो भाई के लिए ये लगाया मैंने, डंडे को डंडी ढूंढ के मैंने यूएसी बल्ब को लेकर यूएसी बल्ब लगा दिया, उसमें पावर बैंक लग रही है मेरी, तो ये कुछ सेटअप पावर बैंक मेरे पास अभी 3 है, तो एक ये अंदर लगा रखी है, तो अंदर वाला सीन देख लो भाई, मतलब यार मस्त होने वाला मुझे ये लग रहा है। ये अपनी खड़ी है देखो भैया, ब्लैक पैंथर, ये हमारा पनीर जो हम पुलाव बना रहे हैं, पनीर पुलाव, इसमें शिमला मिर्च है, मटर है, पनीर है, काजू है, सब है इसमें, मतलब बहुत ही शानदार वाला खदक आ रही है इसमें। इसके बाद इसको क्या करना है मैं अपनी हाल आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आ जाए, थोड़ी सी ग्रेवी इसमें थोड़ी सी टाइट हो जाए, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें करना क्या है। और इसको मैंने बता दिया था मैंने कैसे बनाया था, और ये देखो यार वो उसमें है कुकर में, ये प्लेट में दिख रहा है, पता नहीं रात को क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये दिख रहा था। और ये देखो यार मस्त वाले अचार, आम, बहुत मज़ा आने वाला यार। तो एक काम करो भैया, आप लोग तो सो, हम भी कहाँ के सोते हैं। दोस्तों अभी इतने 5:15, चिड़िया ने सोने नहीं दिया यार, इतनी जोर से कान पे चिल्ला रही, बता नहीं सकता बाहर का मौसम मैं दिखा दे रहा आपको, और अभी आ रही बाहर बारिश, बारिश भी दिखा दे रहा भाई। Thank you.
नमस्ते दोस्तों, आज राइड का 5वां दिन है और अभी हम उठ गए थे सुबह जल्दी 6 बजे, उठ के जस्ट अभी 7 बज रहे हैं और हमने चाय बना के पी और चाय पी के बर्तन धो के रखे, पानी आ रहा तो सामान को बचाना है, पूरा सामान समेटना है और निकलना है। निकल रहा है यहाँ से, कुल्लू मनाली के बीच में थे और हम यहाँ से जाएंगे जितना भी क्रॉस कर पाएंगे। अब जहाँ पे भी रुकना होगा वो मैं आपको बता दूँगा, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है रुकना कहाँ पे। हम मुझे लद्दाख के पास बनवाने हैं तो मनाली से बनवाऊँगा मैं, उसके बाद अंजनी महादेव जाना है मुझे तो वहाँ पर तो मैं ऑनलाइन आऊँगा, आपको बताता हूँ, ऑनलाइन भी आऊँगा और वीडियो तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर की थी हम लोगों ने कैंपिंग, रात को खाना बनाने में टाइम ज़्यादा हो गया था। उसके बाद कंडीशन ये रही कि सुबह पानी आ गया था, 4 बजे पानी आया तो उसके बाद फिर हम, एक चिड़िया थी वो जो चिल्ला रही थी, उसका तो साला सीन ही अलग था, जैसे चिड़िया जैसे अलार्म नहीं भर देते, उसने उठाया हमें, बहुत तेज़ आवाज़ थी, मैंने इतनी तेज़ किसी चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनी, वो ये चट्टान दिखा दे रहा हमें, तो क्या बार बार इस कोने पर आ गई, ये हमारा टेंट लगा हुआ था, इस कोने पर आके बैठ जा रही थी बार बार, तो उसी से अब नींद खुली। फिर बारिश हो रही थी, फिर हमने जल्दी 5 बजे सोचा भी समेटे सामान जैसे तैसे घर है, हमने सामान समेटा और सारे काम निपटाए और अब बस जस्ट निकल रहे हैं। रास्ते मिलते हैं हम आपको, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है अभी यार, बहुत लंबा है। तो भाई ये था सीन पूरा अपना और हम अब निकल रहे हैं हमारे प्लेस से। हमें ये दो भाई मिल गए थे हमारे, उसके बाद बस ये बोतल इन्होंने यहाँ पे रखवा ली है और ये बोला कि अभी यहाँ से वो बीनने वाला था वो ले जाएगा, हमारा कचरा हमने साथ में रख लिया है।